हिमाचल प्रदेश जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा ऊना के इंदिरा गांधी खेल मैदान में विशेष खिलाड़ियों के जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को प्रतिभा खोज नाम दिया गया। इस प्रतियोगिता में जिला की विभिन्न संस्थाओं से लगभग 150 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा ऊना के इंदिरा गांधी खेल मैदान में विशेष खिलाड़ियों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को प्रतिभा खोज नाम दिया गया। इस प्रतियोगिता में जिला की विभिन्न संस्थाओं से लगभग 150 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में कई प्रकार की खेलें करवाई गयी। वही खेल विभाग के माने तो इस खेल प्रतियोगिता का मकसद विशेष बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाना है, क्योंकि ये बच्चे भी कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं और सिर्फ इन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिस कारण ये बच्चे अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। आज खेल विभाग की तरफ से प्रतिभा खोज नाम से खेल प्लेटफॉर्म इन बच्चों को उपलब्ध करवाया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को राज्य स्तरीय होने वाले खेल प्रतियोगिता बिलासपुर में भाग लेने का मौका मिलेगा और ये बच्चे खेलों में भी अपना नाम कमा सकते हैं। इसमें जो है युवा सेवन खेल विभाग की ओर से यहाँ जिला ऊना में भी जिला स्तरीय प्रतिभा खोज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी लगभग 125 बच्चों के करीब पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, जिसमें कोई 25 की उनके पेरेंट्स हैं जो जिला ऊना के विभिन्न विकास खंडों से आए हुए हैं, खासकर आश्रय, प्रेम आश्रम, धुंधला, पंगाणा, मैतपुर इत्यादि स्कूलों से ये बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये दो वर्ग हैं इसमें, एक है आयु वर्ग 13 से 17 वर्ष के बच्चे और दूसरा है 18 से 35 वर्ष के। तो जिसमें ये जो इसमें 5 इवेंट हैं, जैसे फिजिकली डिसेबल्ड, मेंटली रिटार्डेड, हेयरिंग इम्पेयर्ड इत्यादि गेमों में भाग ले रहे हैं बच्चे। ये जिसमें अलग अलग इवेंट हैं, जैसे ब्रॉड जंप, स्कीपिंग रोप, 800, 400 और 200 मीटर की प्रतियोगिता होगी और भी इसमें गेम्स हैं जिसमें ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। मोटिव क्या है इनके लिए? मोटिव यही है कि प्रतिभा खोज खेल प्रतियोगिता, कि इसमें जो बच्चे हैं इनको मौका नहीं मिलता है, तो विभाग का ये प्रयास है कि इन बच्चों को भी मौका दिया जाए और इनमें जो प्रतिभा छिपी हुई है, इनमें बहुत प्रतिभा होती है, तो ये छिपी हुई है इसको उजागर करेंगे और इनको विभाग एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि ये बच्चे जो इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आएंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो बिलासपुर में होने जा रही है 2 और 3 दिसंबर को, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जिला ऊना में कुछ बच्चे हमारे अवश्य स्थान प्राप्त करेंगे। वहीं विशेष बच्चों को खेलते देख उनके अभिभावक भी काफी खुश दिखाई दिए। अपने बच्चों को भी ये परिजन किसी से कम नहीं मानते हैं। परिजनों की माने तो उनके बच्चों को ये जो खेल विभाग द्वारा प्रतिभा खोज प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है, ये काफी सराहनीय पहल है और इससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखरने का मौका मिलेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर के बच्चे खेल रहे हैं और अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। हम ऐसे ही चाहते हैं कि बच्चे आगे भी खेलें और अपना नाम रोशन करें और अपने देश का नाम भी रोशन करें, विभाग का नाम भी रोशन करें। नहीं, ऐसे तो नहीं है, वैसे सभी जा रहे हैं, खेल रहे हैं और हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।